Good evening and welcome back to this teleconferencing session of BSc Optometry and Ophthalmic Techniques program. Break se pehle aapne anatomy of digestive system ke bare mein Dr. Das ne aapko bataya. Unhone bataya aapko ki digestive system ke kon kon se organs hote hain, right from mouth, esophagus, then your stomach, intestines, रेक्टम, एनल कैनाल, वो सारा उन्होंने बताया आपको उसके बारे में, डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में, लीवर के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में. उससे पहले सेशन में आपको डॉक्टर साहब ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, सर्कुलेशन क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, सब तरह के सेल्स के बारे में बताया, सेल्स के क्या फंक्शंस होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करी. मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें जो कि नई समझ में आई होंगी पहले किताब पढ़ के या कुछ, अब आपके थोड़ी समझ में आ गई होंगी. पर फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई सवाल हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि समझ में नहीं आई हो, तो आप अपना सवाल हमारे से पूछ सकते हैं. अभी इस सेशन में हम जो बात चर्चा करने जा रहे हैं, श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं कि श्वसन हमारे लिए क्यों जरूरी है, व्हाई रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसको कैसे श्वसन की क्रिया क्या होती है, वो सारा डॉक्टर दास बताएंगे. इस बीच में मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 10-15 मिनट अगर आप कोई सवाल ना पूछें, डॉक्टर साहब को एक बार बता देने दें, उसके बाद हमारे पास आधा घंटा होगा, आप जो भी सवाल पूछना चाहें श्वसन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे. दूसरा, जब हम ब्रेक से ब्रेक में गए थे, उससे पहले कुछ लोगों ने ये इच्छा जताई थी कि उनको स्लाइड्स जो थोड़ा तेज तेज चल रही थी वो कुछ नोट नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है. जो हमने कल आपको दिखाया था, जो आज दिखाने जा रहे हैं, इन सब कुछ, हाँ भोपाल एक मिनट, वो उन सब की जो हम आपको स्लाइड जो है आपको भेज देंगे, ठीक है ना, वो आपके प्रोग्राम स्टडी सेंटर पे आपके ईमेल में भेज देंगे, उसमें आप उसको देख सकते हैं. हाँ भोपाल आइए, भोपाल यस पूछिए. हाँ हेलो. हाँ भोपाल बोलिए. हाँ गुड इवनिंग सर. एक्चुअली हम लोग सर सदगुरु नेत्र चिकित्सालय से आए हुए हैं सर. हाँ जी. और वहाँ सर हम लोग के सर जो डायरेक्टर हैं, आप के जैन सर. हाँ आप धीरे करेंगे अपने टीवी के वॉल्यूम को. बीके जैन सर हम लोग के सर डायरेक्टर हैं. हाँ जी. वो एक्चुअली सर बहुत प्रोसेसिंग किए कि आपके कॉन्फ्रेंसिंग को वहीं पे अटेंड कराएं. हाँ जी. लेकिन सर एक्चुअली हम अपने रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर के एस तिवारी सर से भी बात किए कि वहाँ सर कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड कराई जाए, लेकिन इसके लिए सर ओनली बाई फोन वहाँ फोन करे तो दूसरे फोन नंबर दिया जा रहा था सर, लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबल नंबर ऐसा नहीं मिला जहाँ आपका नाम क्या प्रॉब्लम. आप अपना नाम बताएंगे सर. मेरा नाम रंजीत द्विवेदी है सर. रंजीत जी अब आप मेरी बात सुनिए. हाँ रंजीत जी अब बात सुनिए. देखिए अभी ऐसा हो गया है, अभी आप बंद कर देंगे जरा. हाँ अभी ये शुरुआत में आपको भोपाल आना पड़ता था, जबकि ये सुविधा जो डीटीएच की जो है आजकल अवेलेबल है नहीं उपलब्ध थी. अभी आपने देखा कल राजगीर के स्टूडेंट जो थे उनको पहले पटना जाना पड़ता था, पर कल आपने सुना, खुद सुना होगा कि राजगीर के स्टूडेंट राजगीर में ही बैठ के अपने स्टडी सेंटर के ऊपर प्रोग्राम देख पा रहे थे. उसमें आपको कुछ नहीं करना है. डॉक्टर जैन को मैं बताऊंगा, मैं उनसे टेलीफोन पर बात करके उनको बताऊंगा कि एक डीटीएस सिस्टम जैसे जीटीवी का डिशन, ये टाटा स्काई के जो सिस्टम्स आते हैं वो एक 2,000 या 2,500 रुपए का आता है, वो अगर सेंटर में इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपने सेंटर पे बैठ के ही देख सकते हैं. इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो आप अपने घर में बैठ के भी देख सकते हैं. अगर आप एक डिश लगवा लेते हैं डीटीएस सिस्टम जो है, तो आप अपने घर में भी बैठ के देख सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है. अभी आप भोपाल आए हुए हैं, अभी आप इसको कार्यक्रम का जो है इसमें सीखें जो हम आपको बता रहे हैं, और मैं डॉक्टर जैन से और बाकी डॉक्टर तिवारी से भी बातचीत करके हम आपके सेंटर के ऊपर भी ये जो सुविधा जो है उपलब्ध कराएंगे. तो डॉक्टर दास आपने ब्रेक से पहले इनको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो अभी हम थोड़ा सा इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो
कुछ भी नहीं, कुछ भी लाइफ विल बी नॉट देयर. सो कैन यू टेल अवर स्टूडेंट समथिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. हेलो एवरीबॉडी. सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉर्ट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आना है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम है. दैट मीन्स ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट. सो फर्स्ट विल डिस्कस एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? इट स्टार्ट फ्रॉम द नोज, देन फैरिंग्स, देन कम्स लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज योर लंग्स. अगेन आई एम रिपीटिंग इट, नोज नाक से शुरू होता है, देन इट कंटिन्यूस फैरिंग्स, देन द लैरिंग्स, द ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स. सो डायग्राम प्लीज सी. सो दिस इज योर नाजल कैविटी. द एयर पासेस थ्रू द नाजल कैविटी, देन कम द फैरिंग्स. द फैरिंग्स इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच बोथ द फूड पार्टिकल्स पासेस एंड ऑल्सो द एयर. देन कम द लैरिंग्स, एंड आफ्टर लैरिंग्स इज अ ट्रैकिया. देन ट्रैकिया इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस, एंड देन इज अ लंग्स. सो व्हाट इज द रोल ऑफ नोज? इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट मेनली एक्ट्स एज ए पैसेज ऑफ एयर, बट इट हैज सम फंक्शन. इट फिल्टर्स एनी हार्मफुल डस्ट ऑन अदर हार्मफुल पार्टिकल्स. जो हार्मफुल डस्ट वगैरह होता है एयर में, वो नोज उसको फिल्टर कर सकता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द नोज, तो फिल्टर्स हार्मफुल डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स. द नेक्स्ट कम फेरिंग्स. दिस इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर पाथवे. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, बोथ द फूड एंड एयर पाथवे एज फार एज फेरिंग इज कंसर्न, दे आर कॉमन है. लेंथ इज अबाउट 12 टू 14 सेंटीमीटर. इट डिवाइड इन टू थ्री पार्ट्स. नाजो फेरिंग्स, दैट इज पार्ट ऑफ द फेरिंग्स विद इन नेक्स्ट टू द नोज, जस्ट बिहाइंड टू द नोज, दैट इज योर नाजो फेरिंग्स. Then is your oropharynx and also laryngopharynx. Then comes the larynx. It is situated in the neck and its function both in breathing and voice production. The other name of the larynx is voice box. हम जो बोलते हैं, that voice creation larynx से ही होता है. It consists of cartilage, muscles and ligament. So this is the anterior part of the larynx. It contains cartilages, muscles and ligaments. The next part is your trachea. Above it is continuous with the larynx and it is situated in the neck in front of the esophagus. The esophagus the digestive system ka part hota, we have already discussed. Usse samne hi trachea situated hai. It is a mainly a tubular structure. It is hard structure with rings around it. It composed of Rajgir puchhe. Haan ji boliye. Rajgir puchhe. Sir, abhi aapne nose bataya sir, usme ek अभी आपने नोज बताया, उसमें लिटिल एरिया एक करके दिया हुआ है हम लोग के बुक में. हाँ हाँ. वो क्या है सर, वो बताएं. वो भी बताते हैं डॉक्टर साहब. ये आप अपना, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट बोलता है अपना नाम जरूर बताएं डॉक्टर साहब. ये आप अपना, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट बोलता है अपना नाम जरूर बताएं. अभिषेक मेरा नाम है सर. हाँ अभिषेक. अभिषेक ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, लिटिल एरिया क्या होता है. अभिषेक मेरा नाम है सर. अभिषेक, अभिषेक ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. लिटिल जो लिटिल एरिया होता है, नोज का एक पार्ट होता है जहां पर बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर ब्लीडिंग होता है, हाईली वास्कुलर होता है. इसमें किसी भी कारण को जो इंजरी होता है ना, इससे ज्यादा ब्लड बहुत जोर से ब्लीडिंग होता है. ये मेरा ख्याल जो नाजल सेप्टम के पास है. नाजल सेप्टम में जो होता है, नाज को डिवाइड करता है सेप्टम में. सेप्टम के एंटीरियर पार्ट, सामने की तरफ एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे वैस्कुलराइजेशन सबसे ज्यादा, वैस्कुलराइजेशन ज्यादा होता है. और जैसे आपने देखा, ये लोगों ने प्रिकिंग वगैरह जो करते हैं तो नाक से ज्यादा ब्लीड, दैट इज नॉट लिटिल एरिया, हाईली वैस्कुलर एरिया. सो यू डिस्कसिंग अबाउट ट्रैकिया. It is a continuous of the larynx. It is situated in the neck in front of the esophagus. It is a tubular structure. It is a hard structure with rings around it. It is composed of C-shaped cartilage joined together by muscle. It is divided into right and left bronchi. So main function of trachea, it is act as a passage for the air. It is a tubular structure. So now we'll discuss, I will see a diagram of trachea. If you'll see, it is a tubular structure. These are the C-shaped cartilages. And the trachea is divided into right bronchus and left bronchus. Second, there is another diagram for conducting passage, that is system. First is the upper respiratory tract that consists of nasal cavity, pharynx and larynx, that is known as upper respiratory tract.
and the lower respiratory tract is your trachea, then is your bronchi, then the lungs. So that means the respiratory tract can be divided into two parts, upper respiratory tract and the lower respiratory tract. Upper respiratory tract, nasal cavity, pharynx and larynx. The lower respiratory tract is your trachea, bronchi and lungs. The trachea, as we discussed, divided into two parts, so the right bronchus and left bronchus. And it starts at the level of the L4 vertebra. L4 vertebra ke level mein trachea ka division hota hai into two parts, right bronchi and left bronchi. Two bronchi that we have discussed are the right bronchus and the right left bronchus. The right bronchus, it is wider and shorter. It enters into the right lungs and divided into three branches and enter into each lobe. Right jo long hota hai unka three lobe hota hai. It is divided into three parts, that is known as lobes. And jo right bronchi hota hai, it three bhag mein divide hoke each branches goes into one lobe of the right lungs. The left bronchi, it is narrowed and longer than the right bronchus. The length is about 5 cm. It divides into two bronchioles, one for which goes to each lobules. Then after bronchus, the smaller branches are known as bronchioles. The right side is 3 in number and left is 2 in number, situated within the lung substance and divided into further smaller branches. That is known as terminal bronchioles, which further divides into respiratory bronchioles. The smallest is known as respiratory bronchioles. The last is your alveolar duct and alveoli. The smallest division of the bronchiole is the alveolar duct. And the dilated structure at the end of the alveolar duct is known as alveolar sac. The important of this alveolar duct and alveoli, here the gas exchange occurs. The exchange of gas, oxygen and carbon dioxide mainly occurs at the alveolar level. Please look at this diagram. So this is your main bronchus and they are divided into smaller parts. And this just like your, let's say, grapes, they say. Grapes-like structure. So that is your alveolar duct and alveolar sac. The gas exchange jo hota hai lungs mein isi level mein hota hai. Jo CO2 aur carbon dioxide aur oxygen ka jo exchange hota hai alveolar level mein hi hota hai. Then we discuss our lungs. It is a spongy organ. There are two lungs, as you know, one is in the right side, one in the left side. It's situated on both sides of the heart. The right lung is situated right to the heart and left lung situated left to the heart, left side of the heart. It is separated from the abdominal cavity by a membrane like structure known as diaphragm. And the right lungs are three lobes, that means right lung is divided into three parts, this is known as lobes, and the left is, however, divided into two parts, that is known as two lobes. There is one structure at the medial part of the each lung, that is known as the high lung. It is a triangular structure of the lung at which the artery, veins, bronchi enter into the lungs. Through this point, artery goes supply the lungs, vein also enter, so also the bronchi also enter into the lungs. So the artery, vein and this bronchi, where they enter that part? At that part of the lungs, that is known as hilum. And the lungs is surrounded by two layers of membrane, that is known as pleura. One is a visceral pleura and the parietal pleura. It gives a protective device, and sometimes then fluid may deposit, maybe occur between the two layers of the pleura, which is known as pleural effusion. जो बोलते हैं, कभी बोलते हैं छात, chest के अंदर पानी भर जाता है. मतलब ये जो lungs के ऊपर दो layer के उसके बीच में दो layers होती हैं, visceral जो कि उसके साथ lungs के साथ attached होती है, and parietal जो है जो बाहर होता है. और कई बार जैसे हमने कहा सुनते हैं tuberculosis के वजह से और किसी कारण कोई पानी जम जाता है, वो दोनों लेयर के पानी भर गया है, वो तो फेफड़ों के अंदर पानी भरता है, वो इन दो लेयर्स के अंदर, कॉल इट प्लूरल इफ्यूजन. मतलब अगर इफ देयर इज अ फ्लूइड कलेक्शन बिटवीन द विसल एंड पैराइटल लेयर ऑफ, सो दैट इज अ प्लूरल इफ्यूजन. सो अगेन दैट इज होल सिस्टम ऑफ द नाजल रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द नोज, देन इज योर फेरिंग्स, दिस इज योर लैरिंग्स, द ट्राकिया, दिस इज योर लंग्स. The functional unit of lungs is the alveolar sac through which diffusion of the gases occurs. जो gas exchange होता है alveolar sac के ही अंदर ही होता है. The diffusion of oxygen to the blood and absorption of the carbon dioxide occur at this level. So please look at the diagram. If you see here, this is a capillary. This is a wall of the alveolar sac. The carbon dioxide coming from the blood to the lungs and the oxygen is going into the capillaries. That means oxygen goes into the blood
and carbon dioxide coming out from the blood vessel to the alveolar sac. This is what is known as diffusion of the gases, or gas exchange occur at the alveolar sac level. So now we'll discuss little bit physiology of the respiratory system. There are essentially two types of respiration. One is your external respiration, and which occur at the long alveolar levels. The absorption of the oxygen and removal of the carbon dioxide occur. That is known as external respiration. Another is internal respiration. The process by which utilization of the oxygen occur and production of the carbon dioxide by cell. It occur at the tissue level or cell level. Isme kya hota hai? The gaseous exchange hota hai. The oxygen blood ke andar jo hota hai, wo gas tissue ke andar jata hai. हाँ भोपाल बोलिए, भोपाल बोलिए. हेलो गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. हेलो सर. सर ये जो अभी फिगर्स जो डिफ्यूजन का दिखा रहे थे सर, CO2 और O2 का जो डिफ्यूजन था सर, हाँ जी, तो उसमें सर मोस्ट एबंडेंट गैस एनवायरनमेंट में तो नाइट्रोजन है सर, हाँ जी, तो उसकी भी तो डिफ्यूजन हो जाएगी सर कैपिलरी में, तो फिर उस नाइट्रोजन को फिर हम अपने ब्लड से कैसे बाहर निकालेंगे सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन है सर. से हमारा बॉडी के लिए ऑक्सीजन चाहिए एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमारे नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए चाहिए हमको उनको ही बॉडी चाहिए. ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द बॉडी, तो ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द एयर. वी डोंट नीड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज नॉट नीडेड फॉर आवर सर्वाइवल. इट इज ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर टिश्यू रेस्पिरेशन एंड टिश्यू मेटाबोलिज्म. सो वी नीड ऑक्सीजन. व्हेनेवर वी इंस्पायर, व्हेनेवर वी इनहेल, होल एयर इज गोइंग, इट आल्सो कंटेन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन इज नॉट ऑब्जर्व, नॉट ऑब्जर्व ऑक्सीजन इज, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. ऑक्सीजन वी नीड इट. And ये फोन बंद कर देंगे आप जरा. इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबोलिज्म वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, इट इज हार्मफुल गैस, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज्ड. तो आपके समझ में आ गया होगा कि जब हम अंदर सांस लेते हैं, हालांकि हवा के अंदर नाइट्रोजन बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने, 70% 80% नाइट्रोजन होता है, पर हमारे को उसकी जरूरत नहीं होती, हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जो बॉडी हमारा जो अब्सॉर्ब करती है वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही करती है, नाइट्रोजन को नहीं करते. एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो एंड प्रोडक्ट उसका रेस्पिरेशन का होता है वो बाहर एक्सहेल होके जब हम बाहर सांस लेते हैं तो वो बाहर निकल जाता है. So now we'll discuss some of the respiratory processes which include exchange of air between external environment and pulmonary alveoli. That means oxygen comes inside the body and carbon dioxide is removed. Then diffusion of the gases into the blood. So that means this oxygen goes through the blood as that is through the hemoglobin, that is oxygenated blood. Then the transport of the gases by the blood to the tissue level. Again there occur exchange of the gases at the tissue level. And consumption of the oxygen and release of the carbon dioxide occurs. So that means the oxygen is needed at the cell level. So cell takes oxygen and releases carbon dioxide. This carbon dioxide again transported by the blood and comes into the lungs. So this is what is known as respiratory process. How this occurs? The two parts you can describe. One is your inspiration and another expiration. What is the inspiration? जब आंख से एयर अंदर की तरफ जाता है बॉडी की तरफ, वी कॉल इट इंस्पिरेशन. सांस जो अंदर की तरफ लेते हैं दैट इज इंस्पिरेशन. जो सांस बाहर करते हैं वी कॉल इट एक्सपिरेशन. द एयर इज इनहेल्ड एंड द एक्सपांशन ऑफ द चेस्ट अकर. व्हेनेवर वी टेक एयर इनसाइड देयर अकर एक्सपांशन ऑफ द चेस्ट. हाउ द एक्सपांशन ऑफ द चेस्ट अकर्स? इट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लैटनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर एंड डायफार्म. वी हैव डिस्कस्ड डायफार्म. इट सेपरेट्स द लंग्स फ्रॉम द एब्डोमेन. When the membrane, when the disc membrane, the diaphragm contracts, there occur expansion of the chest. Another muscle, that is the intercostal muscle, जो हमारा जो rib होता है, rib के बीच में जो muscle होता है, we call it intercostal muscles. There occur contraction of these intercostal muscles also. And because of the contraction of the diaphragm and contraction of the intercostal muscles, expansion of the chest occur. And which lead to expansion of the lungs, because the lungs is attached to the chest wall. Whenever expansion of the chest wall occur, there occur expansion of the lungs also. When the lung expansion occur secondary to expansion of the chest wall, it causes a negative pressure within the respiratory system, because of which air is drawn into the respiratory path and ultimately reach the lungs. Ultimately what we want, the air should come into the lungs. This process occur by a process known as inspiration. But what happens in expiration? The air is removed from the body. So this is a passive process. Why it is a passive process? As we discussed, in case of inspiration, there occur contraction of the diaphragm and the intercostal muscle.
बट इन एक्सप्रेशन देयर आर नो कॉन्ट्रैक्शन इन द रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल, सो इट इज अ पैसिव प्रोसेस. एंड व्हाट हैपेंस हियर, द चेस्ट वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, सो द एयर इज फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. द रिवर्स थिंग अकर इन केस ऑफ एक्सप्रेशन. सो नाउ विल समराइज व्हाट हैपेंस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. दिस सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज एंड टर्मिनेट्स एट द अल्वियोलर फॉसेस दैट इज सिचुएटेड विदइन द लंग्स. Each part of the respiratory system has some role to play so as to provide effective respiration for our survival. Even the nose has some role to play. It filters out any dust, smoke from the air, and every part of the respiratory system has some role to play. And the exchange of the gas occurs at two levels, one at the alveolar level, other at the cellular level. The circulatory system plays an important role in transport of oxygen to the cellular level. The oxygen is transported as oxyhemoglobin, and carbon dioxide from the cell to lungs is transported as deoxyhemoglobin. The most of the disease of the respiratory system occurs when there is obstruction to respiratory passages. As you have heard something, bronchial asthma. It is because of the contraction of the or narrowing of the respiratory pathway. So most of the disease of the respiratory system occur when there is obstruction to the respiratory passage or the transport of oxygen or carbon dioxide at the circulation level. I think this is very important point you have laid emphasis on this thing. Whenever there is why disease occur? Normally we are taking inspiration, we are doing expiration. But whenever there is a change in the gas, the gaseous, or exchange. Whenever there is obstruction, then only the disease. I think आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो lungs के अंदर बीमारियाँ होती हैं, फेफड़ों respiratory disease बीमारियाँ होती हैं, उनका basic reason क्या है? क्योंकि ये देखो छोटी-छोटी बातें जो बहुत बहुत important बात डॉक्टर दास ने बताई, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको जो है किताब से वो रटा मारने की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने बात बताई, इसको मेरा ख्याल मुझे उम्मीद है कि आप याद रखेंगे, और जब भी आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे अपने थ्योरी क्लास में, थ्योरी पेपर में या वाइवा में, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे. तो एक बार ये दोबारा दिखा दीजिए. जब मोस्ट ऑफ द डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑकर्स when there is obstruction to respiratory passage, that means if there is something tumor in the nose, so air cannot pass. If something problem in the foreign body in the trachea, air also cannot pass. If there is some disease because of which there occur contraction of the bronchi or bronchioles, air also cannot pass. So this is known as obstructive disease of the respiratory systems. So that is one of the important diseases. Another important, if there is problems occur at the transport of the oxygen and carbon dioxide. Because oxygen is transported as oxyhemoglobin, carbon dioxide transported as deoxyhemoglobin. If there is something wrong with the circulation also, if because of some reason there is obstruction to the circulation also, that can also lead to disease process. The most important problems with the respiratory system, either it is at the obstruction of the respiratory pathway or something pathology at the diffusion of the gases at either at the lungs level or at the tissue level. Thank you. थैंक यू डॉक्टर दास. आई थिंक डॉक्टर दास आज आपने यू हैव टोल्ड अवर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. यू हैव कवर्ड थ्री इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड दे आर ऑल इंटरलेटेड टू ईच अदर. यस, बेसिकली इफ वी सी ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी आर इंटरलेटेड, बट दीज आर द थ्री, बट यू हैव द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी दे आर इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर. इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डाइजेशन, so unless until the oxygen goes and that food is burnt and the energy is generated, I think all these systems which we have discussed today are intimately interrelated to each other. You have very nicely explained that the anatomy, physiology and the various processes which are taking place under these three systems. And friends, let me tell you that we'll be taking up more and more systems in subsequent sessions, and we'll be requesting Dr. Das to come and give you very useful inputs. Dr. Das, I am very thankful to you that you came today all the way, and you have given very useful inputs to our students. Friends, if you have got any question, we have got still 5 minutes. हमारे पास अभी 5-7 minutes का time है. अगर करना चाहे, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको बता के ये बताते हुए कि कल भी हमारी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है जो कि 12 से लेकर
दो बजे तक चलेगी, तो उसमें भी आपको टॉपिक मैंने आपको पहले भेज दिए हैं, आपके पास आपके प्रोग्रामिंग चार्जेस के पास हैं। तो कल फिर 12 बजे आपसे फिर दोबारा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग लेकर हम आएंगे। मीनवाइल अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई सजेशंस हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि आप मुझे bschotignou@yahoo.co.in पे ईमेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, या एसएमएस भेजना चाहें तो 9311101639 पर एसएमएस अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्यों, इससे देखिए ये जो माध्यम हम यूज कर रहे हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का, इसका बेसिक पर्पज यही है कि देखिए आप इतनी दूर बैठे हैं, भोपाल राजगीर पटना से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सवाल, आप इतनी दूर बैठे हुए हैं और हम यहाँ बैठे हुए जो अपने एक्सपर्ट से, जो कि अगर डॉक्टर दास को अगर हम बोले कि अगर 10 जगह लेक्चर देने जाएं तो इनके पास समय नहीं होगा इतना, ये नहीं देने जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक्सपर्टाइज अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो उसका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, ताकि हम आपको फैसिलिटेट कर सकें और आपके सवालों के जवाब दे सकें, ताकि आपको जो आपके एग्जाम जून में होने वाले हैं आप उसमें अच्छा से अच्छा कर सकें। तो इसमें आपको हिचकिचाने की या कोई शर्माने की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे स्टूडेंट्स कहलाएंगे, कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ये नहीं साफ समझिएगा कि आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपको आता जाता नहीं है। तो अभी हमारे को निर्देश मिल रहा है कि आप इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को बंद करें, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि कल के सेशन में फिर आप आइए और जो भी आपके सवाल हैं वो उसको पूछिए। डॉक्टर प्रोफेसर दास, वेरी थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज वंस अगेन एंड गिविंग वेरी यूजफुल इनपुट्स। आई थिंक द स्टूडेंट्स मस्ट हैव बीन बेनिफिटेड बाय योर इनपुट्स। और सभी जो रीजनल डायरेक्टर्स, प्रोग्रामिंग चार्जेस जो डिफरेंट सेंटर्स पे बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स जिन्होंने सवाल पूछे, उन सबका थैंक्स करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं।